एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज का कारवां आगे बढ़ते हुए जिला संभल पहुंचा, जहां पर देखा गया कि गांव में ग्राम प्रधानों द्वारा सोलर लाइटों का निर्माण कराया गया, तो वहीं नलों को रिबोर कराकर स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान के प्रयासों से शौचालयों का निर्माण कराया गया, तो इसके साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं जो सरकारों द्वारा चलाई गई उन्हें आम जन मानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया, ताकि लोग अच्छे से अपना रास्ता तय कर सके। इसमें सीसी रोड के साथ साथ टाइल्स वाली रोड के अलावा कच्चे काम के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से भी रास्तों का निर्माण कराया गया है, तो वहीं प्राथमिक विद्यालयों में भी ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि के द्वारा तमाम कार्य कराए, चाहे वो मॉडल शौचालय का मामला हो, चाहे स्कूल में टाइल्स बिछाने का मामला हो। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सैना मुस्लिम प्रकाशखंड गुन्नौर जनपद संभल। मैंने अपने गाँव में जो भी विकास कार्य के लिए पैसा है वो ही पूरा तरीके से लगाया है। शौचालय का भी पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है मेरे गांव को, वो भी मैं शौचालय मानक के अनुसार बना रहा हूँ। गांव के अंदर मैंने अपने गांव के अंदर स्कूल में एक मॉडल शौचालय बनाया है, गांव में सीसी टाइल्स वगैरह लगाई हैं, और मेरे गांव में कुछ हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और मेरे गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र है, वो जर्जर हालत में, उसे भी दोबारा बनवा दिया जाए। और एक मेरे गांव में सबसे मेन चीज़ हाईवे पर पानी की निकासी की है, जिसमें ना दिक्कत होती है पानी निकालने में, जिसमें नाला बनवाया जाए मेरे गांव में हाईवे पर। और प्रधान जी, मेन समस्या क्या है आपके गांव की, जो आप उत्तर प्रदेश सरकार से चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक खेलकूद मैदान चाहता हूँ, ताकि बच्चे युवा खेलकूद का मैदान में अपनी प्रतियोगिता दिखाएँ और आगे बढ़ के नाम, गाँव का नाम, मेरे कस्बे का नाम, जिले का नाम रोशन करें, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, लगा आप कितनी बार ग्राम प्रधान चुने गए अब तक? मैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी 5 बार प्रधान चुने गए हैं, और हम चाहते हैं गांव को उन्नति पर पहुंचाने के लिए। ऐसा क्या कारण है जो गांव ग्रामवासी आपको बार बार प्रधान बनाते हैं? विकास को देख करके, हर गरीब की समस्याएँ सुनना, रात दिन उनके काम में आना, कभी भी किसी को कोई काम के लिए समस्या नहीं पैदा करना, बिना सौहार्द के सेवा करना। हम एक टूटे फूटे मकान में रहते हैं, अपना मकान एक कच्चा है, पर हम अपना नहीं देखते हैं, हम गांव का विकास और गांव की पब्लिक को देखते हैं। फरदाना सही ना, मुस्लिम गांव है हमारा, और आवास से घर मिला है, प्रधान जी ने बनवाया है। कैसा काम करा रहे हैं प्रधान जी गाँव में? सही करा रहे हैं, गरीब आदमियों की देखभाल करते हैं। हाँ।